ये हो गया आपका न्यूक्लियस का पिक्चर बन गया। इसमें आप क्या देखोगे कि बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो गया आपका क्रोमोजोम्स, क्या हो गया ये क्रोमोजोम्स, ठीक है। और एक डेंस एकदम दिखेगा, एकदम गाढ़ा सा यहाँ पर बीच में कहीं पर एक बोल जैसा दिखेगा, न्यूक्लियोलस, उसको क्या कहिएगा न्यूक्लियोलस। ये देखो यहाँ बना दिया हम लोगों ने, हो गया न्यूक्लियोलस। और इसमें क्या होगा, बहुत सारा आपको लिक्विड जैसा सब्सटेंस रहेगा। लिक्विड वाला सब्सटेंस को बोलो क्या होगा, इसका तो आप लोग नाम जानते हो सभी को, जल्दी बताइए। वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर ये आपका हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस का पिक्चर है, जल्दी से पिक्चर आप लोग ड्रॉ कर लो। चलिए नाम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये जो दिख रहा है यहाँ पर होल टाइप का, जहां से आना जाना किसी सब्सटेंस को होगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या हो गया न्यूक्लियर पोर्स, लीजिए न्यूक्लियर पोर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, इसको मैंने कहा क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि डेंस होने के बाद क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोजोम जो मम्मी पापा का गुण बेटा बेटी में आता है, सबसे बड़ा कारण क्रोमोजोम की कहानी होता है। तो लिखते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, इसको कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो डेंस पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये जो लिक्विड लिक्विड जो दिख रहा है, लिक्विड जैसा आपका इसके अंदर, इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। जल्दी से पिक्चर बनाइए। प्रिंसिपल चैम्बर जो स्कूल का रहता है, वो सारा चीज कंट्रोल करता है, कैसे असेंबली होना है, कैसे क्लास करना है, कौन सा फंक्शन होना है, एनुअल डे होना है कि नहीं होना है, कितनी बजे छुट्टी होना है, सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, हम लोग के प्रिंसिपल सर ही करते हैं ना स्कूल में, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से सेल में सारा का सारा कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस, नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंस लिखिए, इट कंट्रोल्स, सिंस इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज। यार ऑल द एक्टिविटीज, आपके भी सारे एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफ द सेल, इट इज called the brain of the cell. इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, brain of the cell कहते हैं। क्या हो गया, ये देखो दो layer का दिख रहा है, एक first layer outer side, एक inner side। तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, nuclear membrane, क्या कर सकते हैं इसको, nuclear membrane। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितना लेयर, डबल लेयर का बन गया। तो चलिए एक पॉइंट हम लोग बना देते हैं, आप लोग भी अपने पिक्चर में लिख लोगे यहाँ पर। चल लिखते हैं, लिखो यहाँ पर हेडिंग दे दो कंपोजिशन, कैसे बना हुआ है ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देखो यहां कैसे होगा, द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कॉल्ड, बताइए जल्दी क्या बोलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखिए जगह जगह पोर था, नहीं, जो किसी मटेरियल को अंदर आना है, किस मटेरियल को बाहर जाना है, वो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है ना।
लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या था, पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, क्या लिखा है था उसका नाम देखो तो उस पोर का, न्यूक्लियर पोर्स, चलिए देखते हैं यहां पर न्यूक्लियर पोर्स क्या करता है। यहां पर न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा, फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उससे बेहतर हम क्या लिखते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हो गया, जस्ट उल्टा, दोनों चीज हो रहा है ना, दोनों चीज का मतलब आपका साइटोप्लाज्म से भी इधर से भी मटेरियल अंदर इन कर रहा है और यहां से भी कुछ मटेरियल बाहर आ रहा है जा रहा है, तो ये दोनों को अलाउ करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आते रहता है। चलिए लिखिए जल्दी। अब देखो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस आर नॉन एज क्रोमेटिन नेटवर्क, जब सेल डिवीजन होने लगता है ना तो ये रड शेप का दिखने लगता है, कैसा दिखने लगता है, रड शेप का दिखने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोजोम, क्या कहते हैं क्रोमोजोम, ठीक है, विच आर विजिबल एज रड शेप, कब, जब सेल डिवाइड करने लगता है तब, अभी तो धागा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, रड शेप स्ट्रक्चर कब दिखता है, ओनली वेन द सेल इज अबाउट टू, द सेल इज अबाउट टू मतलब डिवाइड करने वाला, इज अबाउट टू डिवाइड, बस अब डिवाइड होने वाला है, रड शेप का देख कैसा दिखेगा, एंड एंड इन सच केस दिस क्रोमेटिन नेटवर्क इज नॉन एज, क्या बोले इसको, क्या नाम बोलेगा, क्रोमोजोम, क्या बोलेगा, क्रोमोजोम, मम्मी पापा का गुण बेटा बेटी में इसी के कारण आता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, चलो देखो क्रोमोजोम ऐसे तो दिख रहा था धागा ऐसा, लेकिन जब ये बनने लगेगा, जब डिवाइड करने लगेगा तो ऐसा दिखेगा आपको, ये देखो पंख कैसा, ये पंख जैसा जो दिख रहा है इसको कहेंगे क्रोमेटिड, और ये बीच में जो गोला सा दिख रहा है इसको कहेंगे सेंट्रोमियर, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर, ये हो गया आपका क्रोमो, तो यहां पर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या हुआ, बारिश हुई क्या, इट हेल्प्स इन सेलुलर रिप्रोडक्शन
अब आते हैं कि रिप्रोड सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं द प्रोसेस बाय विच, क्या लिखते हैं यहां पर, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल divides and forms new cells. Known as cellular reproduction. और लिख लो एक पॉइंट इसका और लिख देते हैं यहां पर, it helps in determining, जैसे प्रिंसिपल चैंबर ना वही लोग तय करते हैं कि कैसे स्कूल को चलाना है. It helps in determining the way कैसे सेल डेवलप करे, the way the cell will develop कैसे डेवलप करेगा, and what कैसे डेवलप करेगा एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट, बड़ा होने पर ये कैसा बिहेव करेगा, एग्जिबिट एट मैच्योरिटी. कैसे पता चलता है ये सब सारा, बाय नहीं छोटे बच्चे में पता चल जाता है कौन बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा उस लोग का एक्टिविटी से, ठीक वही है, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस का भी सारा काम कंप्लीट, सारा हम